अगर आपको हमारे न्यूज वीडियोस अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और साथ ही दबाइएगा नोटिफिकेशन बेल ताकि आप कोई न्यूज मिस ना करें। धन्यवाद। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया है। 2014 से भी सशक्त बहुमत के साथ जिस तरह भाजपा ने वापसी की है और लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के कगार पर है, उससे न केवल देश भर में बल्कि विश्व के बड़े बड़े नेताओं ने भी मोदी को बधाइयां देना शुरू कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने पीएम मोदी को एक लेटर भेजा और उन्हें जीत की बधाई दी। एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रवीश कुमार ने अपने एक ट्वीट में कहा, जी जिनपिंग ने दोनों देशों के विकास संबंधों को एक नई दिशा देने की भी बात कही। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और लिखा कि वो शांति और विकास के पथ पर मोदी के साथ काम करने की उम्मीद रखते हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ट्वीट करके लिखा कि मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी, इस शानदार जीत के लिए बधाई। हम लोग मिलकर इसराइल और भारत की दोस्ती को और मजबूत करेंगे। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी एक टेलीग्राम में मोदी को बधाई दी। इसके अलावा जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे, श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर विक्रमसिंघे और अफगानिस्तानी प्रेसिडेंट अशरफ घानी ने भी मोदी को बधाइयां दी। इंडिया की तमाम तरह की खबरों के लिए हॉट इंडियन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।